नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एस्ट्राजेनेका पे। दोस्तों इस शेयर ने काफ़ी लोगों को लॉस में रखा हुआ है और इस शेयर में मेरे को जो मैंने पिछली वीडियो एस्ट्राजेनेका बनाई थी उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने उसमें साफ साफ एक्सप्लेन किया था दोस्तों इस शेयर को लॉस में मत निकालना, ये आपका प्रॉफिट करके ही देगा। लेकिन उसमें मेरे को इतने ज़्यादा कमेंट आने लग पड़े कि सर मैंने यह अब एग्जिट कर दिया, ये शेयर नीचे गिर रहा है। अगर मैं 5 दिन का चार्ट भी ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 5 दिन का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और ओपन करने के बाद भी इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि सीधा सीधा आप देख सकते हो। और इस शेयर पे हमें क्या करना चाहिए वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको पता होगा कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन इस बार की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था। दोस्तों अगर आपको पिछली वीडियो मेरी एस्ट्राजेनेका की देखी होगी तो मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि इस शेयर को लॉस में मत निकालना, ये प्रॉफिट देगा। और ये प्रॉफिट कैसे देगा तो उस पर मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये फाइजर की न्यूज़ है जो कि कुछ दिनों पहले ही आई थी और इस शेयर में आपको एक हेडलाइन देखने पे ही आपको पता लग जाएगा, जो कि मैंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के शेयर पे बोला था वो फाइजर पे न्यूज़ बन के आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो न्यूज़ है, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है फाइजर के लिए। जो फाइजर की वैक्सीन है उन्होंने 100 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है कोविड वैक्सीन से, जो कि सीधे सीधे इस शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने पूरी ऐसे ही लाइन एस्ट्राजेनेका के लिए बोली थी, आप जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इस शेयर में अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं मानता हूँ ये शेयर नीचे गिर रहा है और इसका अगर मैक्सिमम चार्ट मैं ओपन करके बताऊँ तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा। इस शेयर पे मेरे को कमेंट आए थे कि मैंने 4,415 रुपीज़ पे इस शेयर को लिया है और मेरे को काफ़ी कमेंट आते 4,200 पे भी लिया था। दोस्तों इस शेयर को आप एक्सचेंज क्यों करना चाहते हो, ये इतना अच्छा शेयर है, इसके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं और ऊपर से यहाँ पे वैक्सीन बना ली है जो कि इसे सीधा सीधा प्रॉफिट करके ही देगी। अगर आपको याद होगा तो इसका जो प्राइस रखा गया था पर डोज वो 500 रुपीज़ पर डोज रखा गया था। सरकार के साथ डिस्कशन करने के बाद जो इसका प्राइस रखा गया वो रखा गया 400 रुपीज़ पर डोज, जिसका अगर देखा जाए तो हमें 100 रुपये का लॉस सीधा सीधा देखने को मिला। लेकिन उस 100 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे गिरावट पे भी नज़र आया था। लेकिन इस शेयर को अगर देखा जाए तो 400 रुपीज़ पर डोज इसका प्राइस रखा ही गया है, जो कि इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पता होगा, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आप इसकी न्यूज़ लगातार देखते होंगे, अगर नहीं भी देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 400 रुपीज़ पर डोज इसका रखा गया और गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 5 से 6 करोड़ की डोज पर मंथ बनानी है, अगर 6 करोड़ डोज पर मंथ ये शेयर बनाता है तो आप इसको 400 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो अमाउंट निकल के आता है वो यहाँ पे हमें ऑपरेशन ऑफ रिवेन्यू में देखने को मिलेगा, जो क्वार्टरली बाय रिजल्ट देखने को आता है। तो वैसे ही न्यूज़ मैंने फाइजर की भी आपको अभी अभी बताई। तो क्या इस शेयर में आपको लगता है कि ये शेयर हमें लॉस में निकालना चाहिए? दोस्तों क्वार्टरली बाय इसका रिजल्ट का वेट करो, ये आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। और अगर इस शेयर की बात करें, मैंने इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन किया, अगर कोविड से पहले की बात करें तो भी इसका चार्ट अप ट्रेंड में ही जा रहा था और कोविड के आने के बाद इस शेयर को बूस्ट मिलेगा और आपको मालूम होना चाहिए कि 5 से 6 करोड़ की डोजी पर मंथ बन रही है और इस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें बहुत सारी डोजी इसकी बनानी पड़ेगी और पर डोजी का अमाउंट जो रखा गया है वो रखा गया 400 रुपीज़। आपको ये डोजी फ्री में मिल रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस डोजेस के लिए 400 रुपीज़ पर डोजी पे कर रही है, जो कि इस शेयर के लिए अच्छी बात है। और इसका जो अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट बन के आता है, वो हमें प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, इस शेयर को एग्जिट मत कीजिए, ये आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, ये आपको अच्छा मुनाफा करके देगा ही देगा। तो दोस्तों लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, ये कोई कारण नहीं हुआ कि इस शेयर को ये नीचे जा रहा है तो हमें इस शेयर से एग्जिट कर देना चाहिए। आप इस शेयर पर पूरी रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद आपको ये शेयर अच्छा लगने लगेगा, आप बाय करोगे तो आप इससे एग्जिट नहीं करोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ये शेयर बहुत अच्छा है, एग्जिट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। दोस्तों अगर आपने इसे हाई लेवल पे बाय किया, अगर 4,900 पे भी बाय किया तो इसकी आप एवरेज करिए, एवरेज करके भी ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के ही जाएगा। इस शेयर में मैं आपको फंडामेंटल या बैलेंस शीट वगैरह नहीं बताऊंगा, मैंने स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप इस शेयर को एग्जिट क्यों कर रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आप फिर भी एग्जिट करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक रीज़न पूछना चाहता हूँ कि आप इस शेयर को एग्जिट क्यों कर रहे हो, आप एक रीज़न के साथ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका एक अच्छा सा जवाब आपको दूंगा। अगर आप फिर भी इस शेयर को एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन आप इस शेयर को थोड़ा सा एनालिस कीजिए, आप खुद इस शेयर को होल्ड करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना कुछ समझाने के बाद आपको इस शेयर पे एग्जिट नहीं करोगे, क्योंकि ये शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेरीज या कोई भी शेयर के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों,
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।